तो हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज हमारा बीते दिनों का 9वां एपिसोड है। हम काफी दूर आ गए हैं 9वें एपिसोड पर, कहाँ से शुरुआत की और कहाँ आ गए हैं। तो बहुत अच्छा जा रहा है ये हमारा एपिसोड बीते दिनों की बात, और आप सभी का शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और आज की न्यूज भी बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आएगा। और आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सभी जगहों की न्यूज यही मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिनेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज आज ही रिलीज हुई मैडम वेब के बारे में है। मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया, मैंने मूवी देखी, एक तो पूरा थिएटर खाली, दूसरी चीज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस मूवी के लिए, तीसरी चीज कुछ भी नहीं इस मूवी में, एंड ये मूवी लिटरली में मुझे जरा सी भी पसंद नहीं आई। Literally, I don't like this movie. It's just a normal movie. इन्होंने हमको ये गंदा माल बेचा कैसे है? पहली चीज इन्होंने मार्वल का नाम लगाया है, दूसरी चीज हमको स्पाइडरमैन से कनेक्शन देकर हमको मैडम वेब चिपका दिया, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और आपसे भी निवेदन है कि बेफालतू में मूवी जाने का प्रयास करें ही ना, बेफालतू में पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मजा आएगा नहीं। तो दूसरी एक अच्छी न्यूज है, श्रेयस तल पड़े। जी हाँ, जो पुष्पा की वॉइस ओवर है, जो की पुष्पा को आवाज दिए हैं, श्रेयस तल पड़े। दिसंबर में उन्होंने एक हार्ट अटैक आया था जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज आई है कि वो ठीक हो गए हैं। इट्स मीन कि वो रिकवर हो गए हैं और अब पहले से अच्छी हालत है उनकी। तो ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि इसी साल पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है और वॉइस ओवर उनको ही करना है, क्योंकि उन्हीं की आवाज में हमको पसंद आएगी। तीसरी न्यूज उससे भी अच्छी होने वाली है। जी हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में बता रहा हूँ आपको, और अब मेरा मन और भी बढ़ने लगा है उस मूवी को देखने के लिए। पहले मैं बस इस मूवी को एज अ मूवी देखने का सोच रहा था, लेकिन अब मुझे इस मूवी को देखने का वो मन था ना, वो इंथुजियाज्म था, वो बढ़ रहा है। रीजन बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारा एक्शन है। जी हाँ, इस मूवी में बहुत सारे एक्शन सीन है, लेकिन अब देखने लायक बात क्या है? देखने लायक बात ये है कि इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन है, ना तो वो स्टंट डबल ने की है, ना तो बॉडी डबल ने की है, और ना तो वो CGI में किए हैं। वो एक्शन सीक्वेंस सब के सब रियल है, और वही चीज मुझे देखनी है। अक्षय कुमार एक स्टंटमैन खुद है, दूसरा हमारे टाइगर बाबू वो तो आजकल एकदम बंदरों की तरह उछल रहे हैं। तो बस यही चीज मुझे अच्छी लगी है कि एटलीस्ट इन्होंने विदाउट CGI, विदाउट VFX स्टंट अच्छा और ओरिजिनल दिखाने का प्रयास किया है, और ओरिजिनल किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सारे स्टंट सीन इन्होंने स्वयं किए हैं। तो ये मूवी को देखने का जो मेरा मन था ना, वो और ज्यादा हो गया है। पहले मेरा मन सिर्फ 10% था कि बस ये मूवी देखने जाना है, लेकिन अब मेरा मन 90% हो गया है। तीसरी एक अच्छी न्यूज है, अगर आप रणवीर सिंह के फैन है तो लेटेस्ट एक न्यूज आई है कि शक्तिमान, जी हाँ, रणवीर सिंह को शक्तिमान के लिए लीड रोल पर चुन लिया गया है। जी हाँ, ये वही शक्तिमान है जिसपे गंगाधर यानी कि मुकेश खन्ना जी आते थे। अब उसी की एक मूवी स्टैंड अलोन मूवी बनने जा रही है, जिसमें रणवीर सिंह मेन किरदार यानी शक्तिमान की भूमिका निभाएंगे। तो साउथ के चाहने वालों, अगर तुम देवराज यानी जूनियर NTR के फैन हो, तो उनके लिए एक थोड़ी दुखद न्यूज आई है। मूवी रिलीज होगी 10 तारीख 10वां महीना 2024, यानी कि October 10, 2024 को अब ये मूवी रिलीज होगी। अच्छा है, आप टाइम लो, अपने काम को और ज्यादा इंप्रूव करो, लेकिन जब भी आप रिलीज करो मूवी, बेस्ट मूवी रिलीज करो। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप टाइम लो, जितना टाइम लेना हो आप लो, लेकिन जब रिलीज करो ना, तो मार्केट पर तहलका मचा दो। अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रेलर कब आएगा और ये मूवी कब आएगी। इसका ट्रेलर हमको मंडे को देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसी मंडे, नेक्स्ट मंडे हमको इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और दूसरी चीज, आप जिसके लिए एक्साइटेड हो कि ये मूवी रिलीज कब होने वाली है, तो इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो होने वाली है 15 मार्च। यो था मूवी की रिलीज डेट होने वाली है 15 मार्च। आप बस वेट कीजिए, जल्द ही अगले महीने ही मूवी रिलीज होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज, रिसेंटली रिलीज हुआ डेडपूल का ट्रेलर। जी हाँ, और इसने आते ही पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। 324 ये कुछ ऐसे ही मिलियंस पर व्यूज गए हैं, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इवन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम, सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लिटरली बताऊं
तो इसने सभी के रिकॉर्ड तोड़ दी और इसका ट्रेलर आया और बहुत जबरदस्त ट्रेलर था। जी हाँ, यही एक मूवी है जो अब मार्वल को एक लेवल अप कर सकती है। बस इसके अलावा और कोई मूवी आजू बाजू दिखाई नहीं दे रही है जो मार्वल के डूबते हुए कैरियर को लिफ्ट कर दे। तो इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जुलाई में रिलीज होगी ये मूवी और इस मूवी से रिलेटेड एक फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको कि इस मूवी में जो डेडपूल है उसकी जो वॉइस भी है वो हमारे संकेत महात्रे जी ने दी है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मैं इनकी वॉइस का बहुत ज्यादा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। जी हाँ, स्क्विड गेम का सीजन 2 आने वाला है एंड लिटरली बताओ तो ये सीजन इस साल 2024 में आ सकता है। एंड यही करते हैं वीडियो को, कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।